नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवत गीता अध्याय 11 और उसके महत्व के विषय में। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महत्व सुन। तुंगभद्र नाम नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा बहुत करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा विद्वान पंडित रहता था। वह ब्राह्मण नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और राजा भी वहाँ नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसा करते हुए उन दोनों को बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन अतीत देशांतर में फिरते हुए उस नगर में आए। अतिथियों ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी। वहाँ अतीत उतरे। राजा ने सीधा दिया रसोई कर अतीत बड़े प्रसन्न हुए। अमृत बेला में प्रातःकाल राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था, कही भृत्य साथ थे। राजा उस हवेली में आया और जो वहाँ महंत था उसके साथ बातचीत करने लगा। राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार दिया। चाकरों ने राजा को खबर दी। राजा यद्यपि सेवा करता कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मुंह से राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, सो प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा जी, चलो देखें कहाँ है तेरा पुत्र। राजा ब्राह्मण महंत भी वहाँ आए, जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो यह लड़का जी उठे और मैं तुझे गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। विप्र ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल प्रेत की योनि से छूटकर देवदेही पाई। राजा का पुत्र उठकर सावधान हुआ। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होके खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आए, उनको ले चले। तो हे लक्ष्मी, ये भगवत गीता अध्याय 11 का महत्व था जो मैंने तुम्हें सुनाया है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। जय श्री कृष्ण।